वीरेंद्र सहवाग ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें ट्रोल किंग यूं ही नहीं कहा जाता। इस बार वीरेंद्र सहवाग के निशाने पर आए हैं श्रीलंकाई अंपायर कुमार धर्मसेना। जी हां, वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर पर अंपायर कुमार धर्मसेना को निशाना बनाया। दरअसल 6 दिसंबर को सहवाग ने लिखा, बस इतना सा रह गया स्मिथ को सही डिसीजन देने से। बांग्लादेश और भारत में मिली अपार सफलता के बाद धर्मसेना रिव्यू सिस्टम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है। सहवाग ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे दूसरे वनडे मैच का जिक्र किया था। दोनों टीमें इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में चैपल हेडले ट्रॉफी 2016 खेल रही है। मैच के दूसरे वनडे में धर्मसेना ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को कॉट बिहाइंड आउट दे दिया था, लेकिन रिव्यू के बाद उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा। दरअसल 33वें ओवर में स्मिथ के बल्ले से एक गेंद मिस हो गई, जिसे पीछे विकेटकीपर ने पकड़ लिया। उसने और बॉलर ने अपील कर दी। धर्मसेना ने अपील सुनकर आउट करार देते हुए अपनी उंगली उठा दी, लेकिन स्मिथ को लग रहा था कि वो आउट नहीं है। उन्होंने DRS रिव्यू मांगा, उसमें वो नॉट आउट साबित हो गए। फिर धर्मसेना को अपना फैसला बदलना पड़ा। इसको लेकर सहवाग ने ट्वीट किया था। सहवाग ने डिसीजन रिव्यू सिस्टम का नाम बदलकर मजाक मजाक में धर्मसेना रिव्यू सिस्टम भी रख दिया। गौरतलब है कि मंगलवार को ही सहवाग ने एक और ट्वीट किया था। वो ट्वीट भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा के लिए था। दरअसल 6 दिसंबर को जडेजा का जन्मदिन था, उस पर सहवाग ने लिखा, चिप्स के पैकेट की तरह जल्दी ओवर खत्म करने वाले जडेजा को हैप्पी बर्थडे। केक को चाकू से उसी अंदाज में काटो जिस तरीके से तुम तलवार घुमाते हो। इसके साथ उन्होंने रविंद्र जडेजा की वो फोटोज भी शेयर की, जिसमें वो बैट को तलवार की तरह घुमाते दिख रहे थे। सहवाग इन दिनों ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं। वो रोज कुछ नया और मजेदार लिखते रहते हैं। उनकी कमेंट्री के भी काफी चर्चे होते हैं।